अमरकंटक नर्मदा जी की जन्मभूमि होने के कारण ये उद्गम स्थलीय सभी लोग यहाँ की तैयारियों का इंतजार करते हैं। हम सभी अमरकंटक वासी और अमरकंटक वासी क्या अपितु सभी नर्मदा भक्त जो माई के भक्त हैं वो कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं इस पर्व का, माँ नर्मदा जी का प्राकट्य उत्सव जो कि इस बार 28 जनवरी को है। और अमरकंटक जो कि माई की उद्गम स्थली है उसमें किस प्रकार तैयारियां चल रही हैं, चूँकि ये उद्गम स्थली है सभी लोग यहाँ की तैयारियों का इंतजार करते हैं, यहाँ के महोत्सव का इंतजार करते हैं। तो आज ये नर्मदा मंदिर के पंडा हमारे साथ हैं, उनसे जाने किस प्रकार इस वर्ष नर्मदा जी के प्राकट्य उत्सव की तैयारियाँ अमरकंटक में रही है। जी, नर्मदे हर नर्मदा जन्मोत्सव की तैयारियां अमरकंटक में दिव्य और अनुपम हुआ करती है। यह माई का जन्म स्थान कहलाता है और जिस प्रकार से नर्मदा का प्राकट्य इस धराधाम में हुआ उस समय समस्त प्रकार के देवी देवता, समस्त प्रकार के तीर्थ, समस्त प्रकार के यज्ञ के पुण्य और सभी प्रकार के तृणगुल्मलताएँ, नक्षत्र, तारे, सूरज और चंद्रमा उपस्थित थे नर्मदा की स्तुति गान करने के लिए, क्योंकि अनुपम सौंदर्य से सुंदरी नर्मदा जिस समय इस धराधाम में प्रकट हुई हैं उस समय सभी देवी देवताओं ने मिलकर नर्मदा की स्तुति की है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, दिव्य प्रकाश से अलौकिक यह मैकल पर्वत आज भी वैसा ही दिखता है जिस प्रकार से शासन प्रशासन और यहाँ के पुजारी गणों के द्वारा तैयारियाँ हैं। निश्चित बात है एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हो रहा है और आज से जो 25 करोड़ 25 अरब 88 करोड़ 49 लाख 6000 और 124वां जन्म महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, अकल्पनीय नहीं है, कल्पना की जा सकती है कि उस समय प्रकाश से, दिव्य प्रकाश से प्रकाशित और सुगंधित वायु से भरा पूरा तथा नाना प्रकार के पुष्प लताओं से आच्छादित यह मैकल पर्वत नर्मदा के उस जन्मोत्सव को मनाने के लिए जितना हर्ष और उल्लास उनमें दिखता था, इसी प्रकार से जो नर्मदा के भक्तगण हैं, अमरकंटक हो या अमरकंटक के आसपास में रहने वाले लोग हों, निश्चित रूप से 28 तारीख को उसी हर्षोल्लास के साथ में इस मैकल पर्वत में उपस्थित होंगे और उसी प्रकार से नर्मदा की स्तुति, पूजा अर्चन करके और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे तथा एक दूसरे को बधाई देते हुए सायंकाल में महाआरती के पश्चात सभी लोग अपने घरों के सामने में बंधन बार, रंगोली तथा दीपदान, रात्रि के समय में सभी लोग अपने घरों में दीपोत्सव करते हैं जैसे दीपावली को हम मनाते हैं। इस प्रकार से अमरकंटक से लेकर के भरूच तकरेवा सागर संगम तक 45,000 घाटों में जिस प्रकार से महाआरती होती है उसी प्रकार से नर्मदा जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अमरकंटक नर्मदा जी की जन्मभूमि होने के कारण यहाँ विशेष रूप से शासन और प्रशासन, नर नारी, बूढ़े बच्चे सब मिल करके नर्मदा का यशोगान करते हैं, अपने मन में बिठा करके नर्मदा मैया को, और उसी प्रकार से हर्षोल्लासित होते हुए नाचते गाते झूमते रथ यात्रा निकाली जाती है। उसके पश्चात में संकीर्तन का कार्यक्रम शुरू होता है, अखंड 24 घंटे का संकीर्तन के पश्चात में उसकी हवन करने के बाद में पूर्ण होती है। इसके पश्चात में कन्या भोजन और कन्या भोजन के बाद में नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं उनको भोजन कराने के बाद में और फिर नगर भोज का आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम शासन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इस बार की तैयारियों में अनुराधा पौड़वाल जी हैं जो भक्त हैं, गायिका हैं, उनको भजन के लिए नर्मदा उद्गम कुंड में और नर्मदा के जन्मोत्सव में अमरकंटक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से समस्त नगरवासियों तथा नर्मदा जी के रेवाखंड में जितने भी नर्मदा भक्त हैं उन सबको नर्मदा जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक चीज़ और, जैसे अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव अब परसों के दिन ही है, कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो दिखने लगी हैं नर्मदा मंदिर की जो सजावट हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नगर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में और इस बार की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी चर्चा है। प्रत्येक भांति की अनुसार नगर भोज, रथ यात्रा तो होती ही है, परंतु शासन प्रशासन का सहयोग मिल जाने से इस मंदिर में रंग रोगन इस बार जो आप देख रहे हैं
कि सुंदर चमकते हुए मंदिर दिख रहे हैं, इसमें पेंटिंग हुई है, सुंदर झालर जो लटके हुए हैं, ये चुन चुन करके कि किन मंदिरों में किस प्रकार से लाइटिंग की व्यवस्था होगी, इसमें सहयोग शासन प्रशासन का था। इसके बाद में जो नर्मदा जन्मोत्सव समिति है उसमें सभी सदस्यगण अपने अपने विचारों से विचार रख करके, जैसे एक विचार आया कि नर्मदा जी के जो मंदिर का जो भाग है, गर्भगृह है, उसे ताजे पुष्पों से सजाया जाए। तो इस वर्ष भी ताजे पुष्पों से नर्मदा जी का गर्भगृह सजाया गया है और नर्मदा का जो कुंड है, उद्गम कुंड, वहाँ भी ताजे पुष्पों से सजाया गया है। और इसके पश्चात में और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, योगा का कार्यक्रम है, इसके बाद ट्रैकिंग का काम है, उसमें भी शासन प्रशासन के द्वारा जन अभियान परिषद, विद्यार्थी परिषद, हमारे पत्रकारगण इन्होंने अपनी पत्रकारिता से जन जन तक इस कार्यक्रम को प्रचारित और प्रसारित किया है, उनका भी सहयोग रहता है, तथा नगर के निवासियों जिन्होंने चंदा दे करके, दान दे करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है तथा अपना सहयोग राशि दे करके इस कार्यक्रम को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया है। नर्मदे हर। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा नर्मदा मंदिर अमरकंटक में, जो कि माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, और यहाँ पर नर्मदा जी के महोत्सव 2023 को लेकर आयोजन की जो तैयारियाँ वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और मंदिर की सजावट भी हम आपको दिखाएंगे।